नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं YouTube अपडेट्स को लेकर के। क्या है YouTube की नई अपडेट, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये अपडेट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी जिन्होंने अभी YouTube चैनल स्टार्ट किया है, जो अभी YouTube पे आए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपडेट। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली अपडेट जो निकल के आ रही है दोस्तों, वो है मेन थीम को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, थीम को लेकर के जो अपडेट आ रही है उसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है YouTube की तरफ से कि आप जब भी कोई चैनल क्रिएट करो, जब भी कोई न्यू यूज़र चैनल को क्रिएट करे, जब भी उसका YouTube चैनल रिव्यू के लिए जाता है, तो उस वक्त वो कुछ चीज़ों को लेकर फोकस में रहते हैं। कि अब वो हर एक चीज़ को तो फोकस नहीं कर सकते, हर वीडियो को आपकी चेक नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने कुछ एक चीज़ें बताई हैं, कुछ एक पॉलिसी में अपडेट्स किए हैं कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वो फोकस करने वाले, उसमें से एक है मेन थीम को लेकर के। अब ये वर्ड, ये टर्म क्या है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना होगा। उसके लिए थोड़ा सा समझिए, जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करें, अब जिस भी कैटेगरी में वीडियो अपलोड करते हैं, अब मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको कि जब भी आप किसी कैटेगरी में वीडियो को अपलोड करते हैं, तो आपके चैनल पर उसी कैटेगरी से रिलेटेड ही वीडियोज़ हों। इस मेन थीम का मतलब यही है। जब आपका चैनल किस वे में ग्रो करता है, आप किस कैटेगरी में ग्रो करते हो, तो आपके चैनल पर ये नहीं होना चाहिए कि सब मिक्सिंग चल रहा है। कहीं कभी कॉमेडी की आप वीडियोज़ डाल रहे हो, तो कभी कोई वैसे कोई वीडियो डाल रहे हो, कॉमेडी हुई, कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हुई, या डिफरेंट कैटेगरीज़ की आप वीडियोज़ डाले जा रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप टैग कैटेगरी से रिलेट करते हो, टैग कैटेगरी में आप वीडियोज़ बनाते हो, तो आपके चैनल पे टैग कैटेगरी से रिलेटेड ही वीडियोज़ हो, अनदर किसी भी कैटेगरी की वीडियोस ना हो। मेन थीम का मतलब यही है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मोस्ट व्यूज वीडियोज़ को लेकर के। जी हाँ, जब भी रिव्यू के लिए आप अपने चैनल को भेजोगे, उस वक्त रिव्यूअर टीम आपकी वीडियोज़ पे, जिन वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो टॉप पे आपकी वीडियोज़ होंगी, जिन पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे, तो उस वीडियो के कंटेंट को चेक करेगी। उसमें ये चेक करेगी कि उनकी पॉलिसी को वॉयलेट करने वाला कोई कंटेंट ना हो, या जो थीम से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उससे अलग कैटेगरी में आपने वीडियोज़ ना बना रखी हो, तो इस चीज़ पे भी आपको बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है वो नई वीडियोज़ को लेकर के दोस्तों। जी हाँ, जब भी आप अपने YouTube चैनल पे नई नई वीडियोस अपलोड करते हो, जो लास्ट की जो अपलोड आपकी वीडियोस होती हैं, करीब एक हफ्ते पहले की लगा लीजिए, तो उन सब वीडियोस को चेक किया जाता है, उन्हें अच्छे से उनका रिव्यू किया जाता है कि क्या वो वीडियोस उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है या नहीं है, जो भी आपने वीडियोस डाली है क्या वो उनकी पॉलिसी को वॉयलेट करती हैं कि नहीं करती हैं। तो रिव्यू की टीम हर वीडियो को तो आपकी चेक नहीं कर सकती, आपने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी होती हैं, तो सबको चेक करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो भी आपकी लेटेस्ट वीडियोस जो आपने अपलोड की हुई होती है, तो उन पे एक नज़र रिव्यू की टीम मारती है और वो देखती है कि उनकी पॉलिसी को कहीं वो आप वॉयलेट ना कर रहे हो, या ऐसा कोई कंटेंट ना हो जो उनकी पॉलिसी को वॉयलेट करे। एक जो मेन अपडेट है वो वीडियो मेटा डाटा को लेकर के है दोस्तों। जी हाँ, मेटा डाटा क्या होता है पहले वो जान लीजिए। ऐसा डेटा जैसे कि आपका जो टाइटल है, या आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, या वीडियो का थंबनेल है, इस तरह का जो डेटा होता है उसे मेटा डाटा बोला जाता है। और इस तरह के डेटा को भी चेक किया जाएगा कि क्या आपने मेटा डाटा की, आपने वीडियोस में जो बताया, जो आपने कंटेंट शेयर किया है लोगों के साथ, क्या उससे वो टाइटल मैच करता है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन उससे मैच करती है, क्या वो आपका थंबनेल उससे मैच करता है कि नहीं करता है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने थंबनेल में कुछ और दिखा रखा है, टाइटल में कुछ और बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन किसी और चीज़ की है, और आप वीडियोस के अंदर कंटेंट कुछ और बता रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो रिव्यू की टीम बहुत सी चीज़ों के लिए फोकस कर रही है। ये जो मेन टॉपिक है जिनको फोकस लेकर के रिव्यू की टीम आपकी वीडियो, आपको आपके मोनिटाइजेशन को ऑन करने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, अगर उनको कोई आपकी चैनल को देखने के बाद फिर भी उनके मन में कुछ शक हो जाता है कि हाँ इसका चैनल अभी भी वॉयलेट कर सकता है, आपके चैनल पर ऐसी वीडियोस हो सकती है, या आपका कंटेंट ऐसा हो सकता है जो उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो सकती है, तो वो इन सब चीज़ों से हट के भी आपके चैनल को पूरा का पूरा रिव्यू कर सकते हैं, उसे मोनिटाइज करने से पहले उसकी अच्छे से जाँच कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कोई वीडियो बनाएं, तो वो वीडियो ऐसी हो, उसका कंटेंट ऐसा हो जो बिल्कुल सही हो, सही जानकारी आप दे रहे हो, वैल्यूएबल कंटेंट हो। तो दोस्तों, ये नए यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपको ग्रो करना है, तो आप सेम कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपको नॉलेज है उसी कैटेगरी में वीडियोज़ बनाइए। अपने चैनल पर
ढेर सारी अलग अलग कैटेगरीज के वीडियो मत डालिए। अगर आप टैक्स से रिलेटेड वीडियो डालते हो तो टैक्स से रिलेटेड ही होना चाहिए उस पर, अनदर किसी भी कैटेगरी की वीडियोज़ मत डालिए। आपका मेटा डाटा, आपका टाइटल, आपका थंबनेल, आपका डिस्क्रिप्शन सब आपका एकदम सही होना चाहिए, ताकि जब भी आप रिव्यू के लिए अपनी चैनल को भेजते हो तो उस वक्त वो मोनिटाइज हो जाए। आई होप आपको ये सारे रूल्स, ये सारे रेगुलेशन जो भी अपडेट्स हुए हैं पॉलिसी के अंदर सब समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसी अपडेट्स आगे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।